भिलाई के पत्रकार साथियों द्वारा हाउसिंग बोर्ड भिलाई के क्रिकेट स्टेडियम में 4 दिवसीय राजीव क्रांति कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका रोमांचक फाइनल मैच HBCC और नोटेशंस क्रिकेट टीम के मध्य मंगलवार को खेला गया। स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर क्रिकेट स्टेडियम हाउसिंग बोर्ड भिलाई में भिलाई के कुछ पत्रकारों द्वारा संचार क्रांति के प्रणेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति में राजीव क्रांति टेनिस और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें शहर भर की टीमों ने हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच गरमामयी समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में शहर के नामचीन व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, राजेश चौहान पूर्व क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम, श्रीमती गुंजन ठाकुर समाज सेवी, श्रीमती शाहीन खान ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल की ब्यूरो चीफ और शंकराचार्य हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर लक्ष्मी विशेष रूप से शामिल रहीं। इस आयोजन को पत्रकार बिरादरी के लिए एक अच्छी पहल बताया जा रहा है। फाइनल मैच एवं समापन समारोह में उपस्थित हुए अतिथियों ने भी इस आयोजन की जमकर तारीफ की। भिलाई की पत्रकार बिरादरी द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर विधि विधान से किया गया। इस गरमामय आयोजन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक कुशल नेतृत्वकर्ता धर्मेंद्र यादव का अमूल्य योगदान भी रहा। इस आयोजन में प्रतिदिन शहर के नामचीन हस्तियों ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुक्त कंठ से इस आयोजन की सराहना की। मंगलवार को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट क्लब और नो टेंशन क्रिकेट क्लब कैंप 1 के मध्य खेला गया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छा स्कोर नो टेंशन के सामने खड़ा किया, जिसे नो टेंशन की टीम सीमित 16 ओवरों में प्राप्त नहीं कर पाई और विनिंग ट्रॉफी पर हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट क्लब ने अपना कब्जा जमाया। प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने अपना 92 रन का योगदान दिया HBCC को, और मैं उसके साथ साथ हमारे वार्ड पार्षद नीतीश यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें यहाँ खेलने का अवसर प्रदान किया, और आप सभी कमेटी मेंबर्स का जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। मतलब टेंशन तो हमेशा रहता ही नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं होम ग्राउंड और बाहर भी मतलब खेलता हूँ तो बहुत अवसर मिलता है खेलने का। भिलाई के पत्रकारों द्वारा भिलाई की भूमि पर यह पहला आयोजन कराया गया था, जिसकी चर्चा भिलाई शहर सहित पूरे जिले और प्रदेश में की जा रही है और भिलाई के पत्रकारों की सराहना भी मुक्त कंठ से की जा रही है। के जनक मैं कहूंगा या कंप्यूटर क्रांति लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी, और इनके ऊपर एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट कराना, वो भी पत्रकार बंधु यानी पत्रकार साथी मिलकर के, इतनी खूबसूरत सोच। जहां हम स्वस्थ भिलाई मस्त भिलाई की बातचीत कर रहे हैं, वहां इस स्पोर्ट्स को जोड़ करके और इस तरीके से अगर पत्रकार बंधु सोच रहे हैं तो निश्चित तौर से एक खूबसूरत परिवर्तन की लहर इस छत्तीसगढ़ में दिख रही है। तो मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं नमन भी करता हूं, और ये खूबसूरत सोच जो पत्रकार बंधुओं के अंदर आई है उसको भी मैं सैल्यूट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं पूरे पत्रकार संघ के साथियों को बधाई देता हूं कि पहले हम हमेशा उनको दूसरों की एक्टिविटीज़ के लिए जुड़ते हुए देखा है, कोई भी समाज का काम हो, किसी भी संगठन का काम हो, उसके लिए पूरा पत्रकार संघ हमेशा से खड़ा रहता है उसको कवर करने के लिए और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस बार ये पहली बार हमको दायित्व मिला है कि राजीव गांधी जी के स्मृति में सबको, पूरे भिलाई को जोड़ने के लिए एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हर वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है, सबको स्थान दिया गया है। जैसा मुझे पता चला कि इसमें संगठन की भी टीमें खेल रही हैं, इसमें पत्रकारों की भी टीम खेल रही हैं, इसमें जो है अपने जजेस की टीमें भी खेल रही हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का जो आप लोगों का विचार है उसको मैं दिल से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसी सोच के साथ आपने सभी वर्गों को जो जोड़ने का काम किया है उसके लिए आप पूरा पत्रकार संघ धन्यवाद का पात्र है, और मैं पूरे व्यापारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, अपन दोनों का साथ जो है वो चोली दामन का साथ है। हम लोग अगर आज यहाँ तक, मैं सर से बात कर रहा था कि अगर हम लोगों का नाम यहाँ तक आया है, आज चैम्बर को कोई अच्छी निगाह से देखता है और इस निगाह से देखता है कि अगर चैम्बर के पास कोई काम जाता है, भले वो समाज हित का हो या व्यापारिक हित का हो, तो उसे चैम्बर बड़ी सक्रियता के साथ निभाने की कोशिश करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसका कोई वजूद है, उसका कोई कारण है, तो वो मेरे पत्रकार साथी हैं। इसीलिए आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, चैम्बर हमेशा आपके साथ और आपके पीछे खड़ा रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।